नमस्कार दोस्तों, मैं शिका बुद्धि राजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वह दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं डायनेमिक फंड्स और क्यों इनमें इन्वेस्टमेंट करना है आपके लिए बेहतर। जी, इनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डायनेमिक फंड्स होते क्या हैं। वेल, अगर हम बात करें अपने पोर्टफोलियो की, तो हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का मतलब होता है कि हम उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है फंड्स रखें, ताकि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस होके चले। और साथ ही में डाइवर्सिफाई करने के लिए ये भी कहा जाता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट फंड्स जरूर रखें ही रखें। वेल, दोस्तों, अगर इसमें हम बात करें डेट फंड्स की, तो डेट फंड्स ऐसे फंड होते हैं जो आपको आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे दे देंगे और साथ ही में उनमें रिस्क कम होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी फंड्स। और साथ ही में इसमें आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई भी हो जाता है, तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वेल, दोस्तों, अगर बात करें हम डायनेमिक फंड्स की, डायनेमिक म्यूचुअल फंड्स डेट फंड्स का ही एक पार्ट है। तो डायनेमिक म्यूचुअल फंड जो है आपका, वो एक तरीके के डेट फंड्स ही होते हैं। वेल, दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डायनेमिक फंड्स होते क्या हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। डायनेमिक फंड्स की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह इसका भी एक जो है अलग तरीका है। अगर हम बात करें कि डायनेमिक फंड्स किस तरीके के फंड होते हैं, तो जिस तरीके से आपका जो रेट है, मार्केट का रेट है, या फिर जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं डायनेमिक फंड के थ्रू, तो जब उसका ग्राफ जो है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो टेन्योर मैनेज करेगा। मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से। जैसे जब वो नोटिस करेंगे कि जो है ग्राफ अब गिरने वाला है, यानी कि रेट कम होने वाले हैं, तो आपके जो है टेन्योर वो बढ़ा देंगे, ताकि आप जो है कम रेट में और जो है आप उसके यूनिट बाय कर सको और ताकि आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो। वेल, वहीं पर जब रेट बढ़ने वाले होंगे, तो आपका टेन्योर जो है वो कम कर देंगे। तो इस तरीके से जो टेन्योर होगा वो मैनेज करा जाएगा ग्राफ के थ्रू, मार्केट को नोटिस करते हुए। वेल, दोस्तों, इसलिए डायनेमिक फंड जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वेल, अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट्स हैं डायनेमिक फंड्स के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये डेट फंड्स का एक टाइप है, तो सबसे पहले तो रिस्क कम होता है इसमें बाकी के कंपेरिजन में, ठीक है। और बात उसके बाद हम बात करें डाइवर्सिफाई, आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई भी हो रहा है, क्योंकि आपको इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स दोनों तरीके के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो आप अगर डायनेमिक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपका एक सोल्यूशन वो भी हो जाएगा। और अगर हम बात करें साथ ही में कि डायनेमिक फंड्स ने अब तक रिटर्न दिखाए, कितने दिखाए हैं, कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो डायनेमिक फंड की एक साल की परफॉर्मेंस, पिछले लास्ट साल की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, तो एक साल में उसके रिटर्न्स आए हैं 5.69, दो साल के रिटर्न रेट है 4.10, तीन साल के रिटर्न रेट है 4.07। तो ये था इसका रिटर्न रेट। वेल, दोस्तों, ये थे डायनेमिक फंड्स, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सबको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।